हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? लेटर और वर्ड पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? जैसे वर्ड वर्ड क्या होता है? लेटरों का कॉम्बिनेशन होता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है। वैसे ही ये होता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो हम एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उसका इंग्लिश बनाते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। जैसे वह लड़की है, और इसका ट्रांसलेट किया जाए तो ये होगा, वह का मेलिंग स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? फीमेल के लिए सी, तो सी इज अ गर्ल। तो यहाँ देखा जाए तो वह का यहाँ पे मिलिंग आया, इज मैंने है, और वह एक लड़की है, तो एक लड़की का मीनिंग यहाँ पाया। तो यहाँ डिफरेंस क्या है इसमें कि सेंटेंस में देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। यहाँ देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट है। हिंदी में यही डिफरेंस है और इंग्लिश में, कि हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इंग्लिश के बाद, इंग्लिश में फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस के लिए? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस। तो फर्स्ट इसमें आता है सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसी ऑर्डर में जानेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो यहाँ अब सब्जेक्ट जानते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। आप लोग अगर पहले कहीं पढ़े होंगे तो वहां पता होगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। जो किसी काम को करता है उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है, और हिंदी में उसे कर्ता कहा जाता है, सब्जेक्ट को। लेकिन ओनली डूअर ही सब्जेक्ट हो जाता है, जो करता है उसी को ओनली सब्जेक्ट कहते हैं, नहीं, नॉन डूअर भी सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट जो है, अभी तक तो मैंने जैसे सिंपल डिफिनेशन अगर बोला जाए सब्जेक्ट का, तो डूअर होता है, यानी किसी काम को करने वाला डूअर होता है, जो करता है। और हिंदी देखा जाए तो क्या होता है? करता।
तो सब्जेक्ट डूअर होता है, लेकिन सब्जेक्ट डूअर और नॉन डूअर दोनों होता है। जो डूअर होता है, डूअर डूअर इस डूअर का मतलब कि कोई काम करने वाला, कोई काम कौन कर सकता है, जो सजीव है उस वो काम को करता है। लेकिन नॉन डूअर भी सब्जेक्ट होता है, जिसे हम पैसिव में पढ़ते हैं, तो उसमें नॉन लिविंग भी होता है। तो सब्जेक्ट को फर्स्ट अगर देखा जाए कि सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग, और अगर हम बताना चाह रहे हैं सब्जेक्ट है या नहीं, तो लिविंग के अनुसार हम 10% किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कह सकते हैं, और नॉन लिविंग के अनुसार 10% कह सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट है। यानी 10% अगर लिविंग के अनुसार कह सकते हैं, तो 90% क्या चांस है कि वो सब्जेक्ट है? 10% का मतलब कि हम तो कह ही नहीं सकते हैं। तो डूअर, अगर कोई सब्जेक्ट में डूअर है तो 90% कह सकते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? राम। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इसमें ईट्स कौन कर रहा है? तो राम। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये डूअर है, प्लस लिविंग भी है। ओनली हम इसको देख कर कि राम लिविंग है यानी सजीव है, तो सब्जेक्ट है, तो 10% ही कह सकते हैं। लेकिन राम देख रहे हैं कि आम खाता है, तो डूअर है, तो यहाँ 90% है कि ये सब्जेक्ट होगा। और नॉन लिविंग में नॉन डूअर भी सब्जेक्ट होता है, 90% नॉन डूअर के आधार पे, और नॉन लिविंग के आधार पे, नॉन लिविंग के आधार पे 10% कह सकते हैं, लेकिन नॉन डूअर के आधार पे 90% कह सकते हैं। जैसे नॉन सेंटेंस लेते हैं, आम गिर गया है से, कोई वृक्ष में आम है और उसको बोल रहे हैं कि आम गिर गया है। हम कल देखे थे कि आम है उसमें, और आज देख रहे हैं कि गिर गया है, तो उसको कैसे बनाएंगे हम? तो मैंगो, यहाँ पे द लगेगा, आम गिर गया है मतलब कि पार्टिकुलर कोई आम का बात हो रहा है, तो द मैंगो इज फल है। या भीतर ये पैसिव है, तो हम पैसिव जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। बस यहाँ हम इसका इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो फॉलन, गिरने का काम कौन किया है? मैंगो। लेकिन गिरने का काम किया है, लेकिन खुद से नहीं गिरा होगा, गिरा होगा जैसे हवा बहाया होगा तो उसके थ्रू गिरा होगा, या कोई तोड़ा होगा, तो डूअर कोई और है, लेकिन यहाँ पे डूअर जैसा काम कर रहा है, गिरा है, तो ये गिरा है, तो ये नॉन डूअर है, फिर भी सब्जेक्ट है और नॉन लिविंग भी है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए हम कि सब्जेक्ट कितना परसेंट नॉन लिविंग हो सकता है, कितना परसेंट नॉन लिविंग हो सकता है, डूअर और नॉन डूअर। तो अब देखते हैं कि एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ये तो नॉन लिविंग डूअर, ये तो पहचानने के लिए हो गया, और देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है कोई सब्जेक्ट। फर्स्ट ये जान लेते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे किसी सेंटेंस में कि वो, जैसे सेंटेंस दिया था कि राम इट्स अ मैंगो, ऐसे अगर सेंटेंस दिया है और कोई पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें
कौन सा सब्जेक्ट है, राम इट्स मैंगो में इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे चेक करने के लिए। हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को ये वर्ब पे, हु या होम। कौन, किसने, किन्होंने, यानी वर्ब जो एक्शन है वो किस, कौन किया है, किसने किया है या किन्होंने किया। तो इट्स खाया है, तो कौन खाया है, तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट। ऐसे कोई सेंटेंस पर हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। जैसे सीता एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल। सीता एक लड़की है कौन है, सीता। तो ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे, कौन है, तो सीता है, तो सीता क्या हो गया सब्जेक्ट। सेंटेंस पर उतना ध्यान ना दीजिए, बस हम कुछ सब्जेक्ट का उदाहरण ले रहा है। हम जब सेंटेंस पढ़ लेंगे उसके बाद हम वर्ब का, वर्ब भी जान जाएंगे, उसके बाद टेंस पढ़ लेंगे, तो हम लोग को सेंटेंस बनाने का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सेंटेंस बनाने के ही आइडिया पर चल रहे हैं, जैसे कि जनरल स्ट्रक्चर बताए थे, तो उसका एक एक पार्ट बता रहे हैं पहले। तो ये देख लिए कि हम कैसे पहचानेंगे। तो ये एक ट्रिक है, इसे नोट कर लीजिएगा चेक करने का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे राम में यहाँ क्या है, नाम है किसी का, तो नाम क्या होता है, नाउन होता है। वैसे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक ओनली नाउन हो सकता है, नहीं ओनली नाउन तो नहीं हो सकता। तो एक नाउन हो सकता है, नाउन के बदले में आता है, उसे क्या क्या कहते हैं, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हो सकता है। और हो सकता है ना, होता है, और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, नाउन तो हम समझते हैं किसी का नेम होता है, पर नाउन इसके बदले में आता है, जैसे ही, सी, आई, वी। अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि वो एक्चुअली में नाउन नहीं होता है, लेकिन वो नाउन जैसा ही बिहेव करता है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब कि नाउन होता नहीं है वो, लेकिन नाउन जैसा बिहेव करता है। और क्या क्या हो सकता है नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन जैसा बिहेव करता है, जेरॉन्ड, जेरॉन्ड, जेरॉन्ड का मतलब कि एक वर्ब होता है v1, उसमें ing जुड़ जाता है, तो ये जेरॉन्ड नाउन जैसा काम करता है। इसको बहुत डीपली हम पढ़ेंगे, जब टेंस पढ़ लेंगे सेंटेंस बनाने का अच्छा सा आइडिया आ जाएगा, और पैसिव भी सब पढ़ लेंगे, तो हम वर्ड में जब जाएंगे वहाँ पे मिलेगा हमको जेरॉन्ड। और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये क्या होता है, वर्ब से पहले टू लगा होता है। अब ये भी वन होता है, भी वन, तो ये भी वन क्या होता है, इसको हम वर्ब में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या है वर्ब है, तो वर्ब में आएगा भी वन। तो इसके लिए वरी ना करें प्लीज, फ्रेज, फ्रेज लुपोक्ति का बोलता है इसको, इति ये हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुहावरा, मुहावरा होता है ना, वैसा ही ये होता है, इसको याद करना होता है। और कलाउज, कलाउज का मतलब कि छोटा छोटा सेंटेंस होता है। तो जेरॉन्ड का एक देख लेते हैं एग्जांपल, और इन्फिनिटिव का, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, कौन है? तो वॉकिंग, वॉकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जबकि ये कोई नाउन नहीं है। वॉक मैंने क्या होता है, टहलना, एक वर्ब है जिसमें आई एन जी जुड़ गया और ये नाउन जैसा काम करता है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल देखें तो इसी सेंटेंस को हम लिखना चाहें इन्फिनिटिव में, तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़े सेंटेंस के फर्स्ट, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़े, और उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या आया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो इसमें हम जाने सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे कि आम टूट गया है, तो आम टूटने का काम कोई और किया है, लेकिन टूटा है, वहाँ क्रिया हुआ है टूटने का, तो वो डूअर नहीं है, मेन डूअर तो नहीं है करने वाला, जो गिट टूट तोड़ा है वो तो नहीं, आम खुद से नहीं ना टूटा है, वो कोई ना कोई जैसे हवा हो गया या कोई आदमी तोड़ा होगा, तो उस आधार पर हम उसे कह सकते हैं कि वहाँ नॉन डूअर जैसा बिहेव कर रहा है। तो 90% नॉन डूअर, और नॉन लिविंग के आधार पर 10% कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद क्या देखें कि हम उसके बाद देखें कि ट्रिक, एक ट्रिक देखें कि किसी सेंटेंस में कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसे देखें हम, वो ट्रिक क्या था, हु या हुम, किस पे अप्लाई करेंगे, वर्ब पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कौन इस वर्ब को किया है, जैसे राम आम खाया है, तो कौन खाया है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर देखें हम कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे सेंटेंस में राम है तो राम क्या है, नाउन है, तो ओनली नाउन तो नहीं हो सकता है, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट में ये चार चीज आता है। तो नाउन प्रोनाउन ये सब हम वर्ड में पढ़ेंगे बहुत डीपली, बस यहाँ सेंटेंस को थोड़ा समझने के लिए इसको पढ़ रहे हैं। तो यहीं तक रहने देते हैं इस लेक्चर में, फिर अब लेक्चर नंबर 4 देखेंगे जिसमें आएगा वर्ब, और वर्ब को अच्छा से पढ़ेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, और प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों में पूरा शेयर कीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट, और कुछ अगर आपको लग रहा है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या कुछ देखने में, या कुछ आप लोग का कोई इंपॉर्टेंट सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फ्रेंड्स।